टीकमगढ़ में 2 साल से वर्ग 1 और 2 के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की अभी तक भर्ती नहीं हो पाई है, जिसको लेकर शिक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन शिवराज सिंह अपने व्यस्त चुनाव दौरे के कारण शिक्षकों से नहीं मिल पाए, जिसके चलते शिक्षकों में काफी रोष है। 2018 के शिक्षक भर्ती को लेकर चयनित शिक्षक संघ ने नियुक्तियों की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि वर्ग 1 और 2 की परीक्षा 2018 में ली गई थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। कड़ी धूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिलने का इंतजार कर रहे शिक्षकों की आस तब टूट गई जब शिवराज सिंह टीकमगढ़ आए और शिक्षकों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ अपने चुनावी दौरे पर निकल गए। शिक्षकों का कहना है कि एक तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ भी जाती है तो उसका रिजल्ट बड़ी मुश्किल से आता है और अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो भर्ती अटका दी जाती है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए हम लोग आज सुबह 9 बजे से इधर एकत्रित हुए थे, लेकिन 2 मिनट का समय भी हम लोगों को नहीं दिया गया। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है सर कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो उन्होंने 2018 से स्टार्ट की थी आज 2020 तक स्टार्ट, हम लोगों को भर्ती नहीं मिली। आप लोगों ने MPTET क्वालिफाइड किया हुआ क्या? जी, रैंक भी हम लोगों की मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक है हमारी खुद। मध्य प्रदेश में लगभग वर्ग 1 के कितने क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे? मतलब 10-15 हजार। और वर्ग 2 के? वर्ग 2 के 11-12 हजार। अभी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है? नहीं। शासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? हर बार शासन ये बोल देती है कि अब अगली डेट और डेट बढ़ाते, आज 2 साल हो चुकी है, कभी कोई भर्ती करी नहीं जाती। 2011 से आज 2020 तक शिक्षक भर्ती के लिए कोई एक पद भी माननीय श्री शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई भी एक पद पर नियुक्ति नहीं दी है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।